नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष के हिस्से के रूप में किसानों ने फतेहगढ़ साहिब जिले में भड़ई के माजरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को किया अवरुद्ध और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके कारण सहिंद रेलवे स्टेशन पर राजमार्ग और रेल यात्रा का एक बड़ा यातायात जाम कर दिया गया। इसमें किसान नेता निर्मल सिंह ने कहा, मेरा नाम निर्मल सिंह रियूना जी, तो ये जड़ा अज बंद है संयुक्त मोर्चे वालों दी गई कॉल से यह अज जी टी रोड तरखाण माजरा सरहद विखे बंद किया गया। इतने जिन्हें भी ड्राइवर ने, जिन्हें भी परिवार ने, जिन्हें भी लोग ने, यह यूपी तो बहुत सारी संगत आई हुई है, ये भी सारी है जी इस बंद के जो साथ दे रही है। गड्डिया खड़ा के पूरे धरने के लोग शामिल ने। मैं सवेरे 6 बजे 6:45 बजे इतने आ गया सी। 6 बजे तो बाद जी लोगों ने अपने आप ट्रैफिक है जी बंद कर ली। तो मैनू बहुत माण है साढ़े लोगों पर, यह अंदोलन जन जन का अंदोलन है। ये 6 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक इस धरने ने चलना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता जिनी भी साध संगत साढ़े आले दुआले है, ये दूरों नेड़े आई संगत खड़ी है परिवार नाल है कुछ, इन्हां दे खाण पीण दे इंतजाम लई या एमरजेंसी सेवावां लई तुसीं साडा साथ दिओ। पर इह धरना इसे तरह जारी रहूगा, शाम नूं 6 बजे जिहड़ा उह इहनूं खोलिया जाऊगा। प्रधान जी गल करदे आं, लेकिन किसानां दीआं कुछ कुछ मंडियां वी ते डेयरियां अज खुल्लियां ने सरहद विच वी। जिथे भी किसानां दीआं डेयरियां खुल्लियां ने, हुणे किसान बहुत सारे आ रहे ने, हुणे भी जिथे मंडियां खुल्लियां ने, जिथे भी कोई डेयरी खुल्ली है या कोई भी चीज खुल्ली है उस नूं बंद कराया जाऊगा। हुणे थोड़ी देर बाद रेलवे ट्रैक ते जिहड़ा उह धरना उत्थे भी जाऊगा, इह नाल इक पार्टी दा। रेलवे भी कोई रेलवे सेवावां बंद ने, दुध दीआं सेवावां, सब्जी दीआं सेवावां सारियां सानूं संयुक्त मोर्चे वल्लों अपील है भी बंद ने। हाँ, जिहड़े किसान ना समझी कारण या जिहड़े आम लोग ना समझी कारण दुकानां खुल्लियां रखियां, अपने बिजनेस खुल्ले रखे, जॉब्स खुल्लियां रखियां, उहनां नूं असीं हथ जोड़ के रिक्वेस्ट करदे हां भी प्लीज़ सानूं कहण तों पहलां साढ़े कहण तों पहलां कृपा करके ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਾਨਮੀ ਹੋਰ ਗਿਰੂਗੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ।